जो वेस्ट लाइन होता है वहां से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे, वेस्ट लाइन से 5 इंच, और वहाँ पे एक कट लगा देंगे। तो ये है मेरा जो है वो मुझे 5 इंच के लिए इनफ है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 6 इंच कर सकते हैं। और ये जो हमारा हिप का जहाँ पे हम कट देते हैं वो मार्क के नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर आधे इंच तक चलता है। और अगर आप ज़्यादा आपका है हाथ है, वैसे तो 7 इंच मैक्सिमम होता है पर मैं 5 इंच रख रही हूँ। और ये है, और फिर जो उसके अंदर पॉकेट होता है जो डाल लगाते हैं वो मैं बताती हूँ। तो ये है, ये डबल फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये फोल्ड साइड यहाँ पे आएगी और उसको हम मार्क करेंगे। जो ओपन साइड है वहाँ पे हम 5 इंच मार्क करेंगे, 5 इंच पे, और यहाँ पे हम ऐसा शेप दे देंगे। ये ऐसा शेप देते हुए उसको बाहर से मार्जिन रख के कट कर लेंगे, क्योंकि हम जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हम सिलाई के लिए सीम अलाउंस छोड़ते हैं, सॉरी, जो लाइन डाली है उसके ऊपर हम स्टिच लगाते हैं, इसलिए हमको सीम अलाउंस छोड़ना होता है। ये देखिए ऐसा कुछ शेप देना होता है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने पॉकेट कट किया है, ये हमको, तो इसमें देखिए ये जो है यहाँ से ये हमने 5 इंच है यहाँ पे, और ये एक्स्ट्रा जो है हमारा मार्जिन है सीम अलाउंस के लिए, और यहाँ पे मैंने जो ये लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर स्टिच होगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो है हमारा 5 इंच, इसको हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो ये जो हमने कुर्ती पे मार्क लगाया है ये 5 इंच का, वहाँ पे ऐसे रख के, तो दोनों अलग करके ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे जो मार्क है उसको कोऑर्डिनेट करते हुए हम यहाँ पे इतना स्टिच, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगाना है। और फिर जब आप कुर्ती को साइड्स जॉइंट करेंगे तब फिर क्या करना है, ऐसे स्टिच करते हुए यहाँ पे ऐसे गोलाई देते हुए यहाँ से ऐसे स्टिच करके फिर नीचे जाना है। देखिए ये मैंने अटैच किया है, सिर्फ ये जो है वही अटैच करना है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी साइड्स अटैच करते हैं हम कुर्ती की दोनों साइड पे, तो ऐसे हम मैच करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाते हुए ऐसे, और फिर यहाँ से जो इसकी सिलाई है उसको अंदर से थोड़ा सा ऐसे करके फिर हम पूरा ऐसे गोलाई का पूरा स्टिच लगाएंगे यहाँ तक और फिर नीचे जाएंगे। तो वो स्टिच हमें कंटिन्यू रखना है, हाँ, उसको ब्रेक नहीं करना है, बस वो कंटिन्यू करते हुए हमको जाना है। तो देखिए मैंने अटैच कर दिया है, ये देखिए। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा दें, मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये है, अब इसको हम अंदर कर देंगे। आप इसी तरह से रेडीमेड कुर्ती में भी सेम तरीके से पॉकेट लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पे, आप एक बार उसको भी देख लें। अब इसको हम थोड़ा प्रेस करके सेट कर लेंगे तो वो अच्छे से सेट भी हो जाएगा।
अगर आपको ये इसका वीडियो नेकलाइन का वीडियो देखना है तो वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से है मेरा पेज है, उसको लाइक करें तो आपको और भी नए नए वीडियो आएंगे या कुछ भी मैं शेयर करूँगी आपको पता चलेगा। और अगर आपको और कुछ वीडियो बनाना है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।